अभी इस वक्त हम बागमती नदी पर आ गए हैं, जहाँ से आप लोगों ने देखा ये बागमती नदी जो मानी जाती है, यहाँ पर जो तूफान आता है पानी का, इस नदी की वजह से जितने आस पड़ोस के जितने यहाँ के लोकल लोग खेत है, लाखों के तादाद में भी जो बीघा माना जाएगा, उन क्षति होता है, धान का क्षति होता है, गन्ना क्षति होता है। लेकिन उस बीच में यहाँ पर बिल्कुल मैं बीच धार पे खड़ा हूँ बागमती नदी के, यहाँ पर देखिए आप देखेंगे गौर से चारों तरफ हरियाली नजर आएगा आपको, क्योंकि यहाँ पर जो खेती है तरबूज और खीरा ककड़ी कद्दू लौका ये सबका खेती होता है। तो यहाँ पर हम जो लोग किसान लोग हैं जुड़े हुए हैं, यहाँ पर जो काम कर देख रहे हैं वर्क हो रहा है यहाँ पर लोग, अभी कुछ जगह पर मैं उधर से आ रहा था वहाँ पर खेती हो चुका है, फल भी निकला हुआ है, यहाँ पर अभी रोपा रहा है। तो यहाँ पर हम इनसे पूछते हैं, हाँ सर खड़े हो जाइए जरा सर, तो ये आप क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम बन्ने हुआ। बन्ने जी, तो ये खेती आप लोग करते हैं जी? तो कब से कर रहे हैं खेती? खेती चालू हुआ छठ से। छठ से? हाँ। नहीं कितने साल हो गए? अरे हमको यहाँ हो गया करीब करीब तो 15-20 साल हो गया। 15-20 साल हो गया। कहाँ के हैं आप? हम शाहजहांपुर जिला के हैं। शाहजहांपुर जिला के हैं जी। तो इस खेती में आपको क्या कुछ लाभ होता है या? इसमें लाभ भी है हानि भी, दोनों काम है। दोनों? जैसे हानि कैसे है? हानि मान लो खुदा ना खास्ता अगर इसमें कहीं बारिश ज्यादा हो या नदी आ जाए, पत्थर गिर जाए तो हानि हानि है, बाजार सही नहीं मिला तो हानि हानि है। और सब कुछ अगर साथ दिया तो सब कुछ इसमें लाभ ही लाभ है। अच्छा, मतलब सब साथ दिया तो लाभ ही लाभ है। तो अभी जो है उस तरफ जो खेती है मुकम्मल तौर पे हो चुका है, उधर से फल भी टूट रहे हैं, कद्दू टूट रहे हैं, लेकिन यहाँ आप इतना लेट से इसमें ये कर रहे हैं, ये लेट खेती है? लेट खेती है हाँ। तरबूज का खेती है, अभी इसका कटाई हो रहा है। अच्छा, इससे पहले आप लगाए हुए? एक महीना हो गया, डेढ़ महीना जी इसका कटाई हो रहा है। कटाई हो रहा है। तो इसमें अभी तरबूज कब तक निकलेगा? तरबूज निकलेगा अपना रमजान में। रमजान में निकल जाएगा तरबूज? रमजान एक महीना है जी, एक रमजान निकल जाएगा, तभी निकल जाएगा। तो आप ये खेती करते हैं, आपके दिमाग में बात कैसे आई कि ये नदी की पेटी में ही खेती किया जाए? यहाँ पर बहुत खेती, तो ये मतलब नदी की पेटी में भी हो जाएगी, किसान के खेती में भी हो जाएगी, इसके लिए कोई सी बात नहीं। अच्छा, खेती में की हर जगह हो जाएगी? हर जगह हो जाएगा, लेकिन लोग खेत में नहीं करते हैं ये? अब नहीं करते, नहीं, यहाँ का बात अलग है। तो आप राजस्थान में, हरियाणा में जी ऊपर का खेती, तो आप लोग यहाँ आकर खेती करते हैं और इसमें घाटा भी होता है नफा भी होता है, यही कहना है ना आपका? हर काम में ये तो काफी ऊंची जगह पानी कम आएगा, ऊंचा है तो पानी कम आएगा, तो लेयर उसी तरह तो पानी चले नहीं बंधा हुआ बांध रखे हैं जी, इधर बराबर पानी पट रहा है, पानी पटाते बार बार पटाते हैं, बालू सूखा है, काफी गर्मी हो रहा है यहाँ पर अभी। तो ये आप ही करा रहे हैं? आप ही करा रहे हैं? हर साल मेन हेड आपके हैं। तो आप ये बताइए कि यहाँ पर आप लोग रात में भी रहते हैं? हाँ, वो क्या घर बना हुआ सामने, देखिए सामने घर है हाँ। तो आप लोग वहाँ रहते हैं, घर में रहते हैं, किस तरह कोई परेशानी वगैरह आपको यहाँ पर? कुछ नहीं, कोई परेशानी नहीं, बस खेती में है कि आप लगा रहे हैं फसल, खैर किसान तो रोपता ही है, तो मेहनत के इंतजार में होता है कि कब आएगा, खेती जुआ है। तो मैं यहाँ पर आ गया था कि दिखाओ लोगों को कि यहाँ पर जो खेती हो रहा है बागमती नदी में। हाँ हाँ, लेबर आप लोग यहाँ लगे हुए हैं सब? हाँ हाँ जी, हाँ हाँ लीजिए ना भाई, आपका गड्ढा में हम आपका देखिए एक मेहनत, क्या नाम है आपका? राजेश जी। तो 14 साल हो गया, आप 20 साल से यहाँ पर है ना जी। तो देखिए काफी यहाँ पर मेहनत करना पड़ता है लोगों को तरबूज उगाने के लिए यहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद, आगे दिखाते हैं जी। आप कब से कर रहे हैं इसमें? हाँ टोकरी पर रखिए रखिए, क्या है इसमें? गोबर है। अच्छा, कोई कब से कर रहे हैं? एक साल से कर रहे हैं हाँ। एक साल से आप यही काम करते हैं? यही काम करते हैं। चलिए, कमाई में होता है? अच्छा हाँ, कमाई बढ़िया होता है। बाहर नहीं जाते? बाहर ये सीजन खत्म होगा तो चलेंगे, सीजन के बाद जाइएगा ना। तो देखिए यहाँ पर लेबर लोग भी काफी खुश हैं और लगे हुए हैं इसमें, इंतजार में कि फल निकलेगा तो इसको उनको फायदा होगा। तो देखिए अभी